नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं अंकित त्यागी और फिर से आज शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जो हमारे रेसलर्स हैं, चैंपियंस हैं, उनके चल रहे जो इस वक्त का उनका विरोध चल रहा है उसकी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने और उनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध पर उतरे पहलवानों के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सिलसिले में एक बैठक की और फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में 1 जून से 5 जून की विरोध के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन के रूप में सामने रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारी पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की इजाजत मिले और इस सिलसिले में वो राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे। आपको याद होगा जिस दिन देश में लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट का, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, इन पहलवानों को किस तरीके से घसीटते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वो जगह को खाली करा दिया। आपको यह भी बता दें कि विरोध पर उतरे पहलवान कल हरिद्वार पहुंच गए थे और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई ना होने से नाराज, हतोत्साहित, परेशान होकर उन्होंने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया था। इन पहलवानों ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट है। काफी देर तक खिलाड़ी गंगा के घाट पर बैठे रहे, भावुक हो गए। उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए रोकने की कोशिशें भी चलती रही, लोगों ने भी मना किया, जनता भी वहां पर उनके समर्थन में खड़ी रही क्योंकि शायद वो लोग समझते हैं कि एक मेडल के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और उन्हीं मेडल्स को आंसुओं के साथ वो गंगा में बहाने को अब तैयार खड़े थे। अंत में किसान नेता नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल गंगा में ना बहाने के लिए राजी कर लिया। इन खिलाड़ियों ने इसके बाद यह तय किया कि अगले 5 दिन सरकार को कार्रवाई के लिए दिए जाए और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेडल वापस बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में और आगे की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत है वो बुलाई जाएगी। नरेश टिकैत बालियान थाप के प्रमुख हैं और उनके मुताबिक महापंचायत में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस चौपाल में खाप के चौधरियों के साथ साथ लोग भी शामिल होंगे लेकिन आम लोगों को इसमें नहीं बुलाया गया है। भारत में कुश्ती इन खिलाड़ियों के जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, संघर्ष अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। एमेच्योर कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रदर्शन के दौरान पहलवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए सुलूक को कड़ी निंदा उसकी अपने एक बयान में की है और यह भी कहा है कि वो जांच में अभी तक जो नतीजा नहीं आया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उससे वो काफी निराश है। संस्था ने अपील की है और यह भी कहा है कि संबंधित संस्थाएं आरोपों की गहराई और पारदर्शिता के साथ जांच करें। वहीं ओलंपिक में कुश्ती के खेल पर निगाह रखने वाली इस संस्था ने कहा है कि वो शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों की स्थिति और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उनके यौन शोषण की बात से चिंतित है। UWW ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से वो परेशान है। 28 मई को नई संसद में जब विरोध मार्च निकालने के लिए खिलाड़ी उठे तो पुलिस ने काफी बर्बरता से, निर्दयता से उनको गिरफ्तार किया। कुछ खिलाड़ियों को किस तरीके से घसीटा गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर उनका धरना स्थल जो था उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया। ये तस्वीरें देश और दुनिया के लिए काफी दूर तक लोगों पर इसका असर हुआ, काफी दूर तक ये देखी गई और इन पर खेल से लेकर राजनीति की दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। वहीं UWW का भी यह कहना है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों की स्थिति जानने के लिए उनके साथ मीटिंग भी करी जाएगी और उनकी चिंताओं का
निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हल के लिए वो उनके साथ खड़े हैं। उधर सरकार की ओर से सरकार भी इस विरोध प्रदर्शन पर करीबी से निगाह रखी हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस पे बात करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने जनवरी में ये बात कही थी, उसके बाद से इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन इसमें अब कई राजनीतिक दल और यूनियन शामिल हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि वो इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर FIR दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब मंत्री जी कह रहे हैं इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, पर क्या यह शुरुआत से ही राजनीति इस पर नहीं हो रही? जिस शख्स पर आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, क्या वो राजनीति का हिस्सा नहीं है? दिल्ली पुलिस एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, MHA के अंडर आती है, वहां BJP की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR हुई है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने FIR तक नहीं की, क्या वो राजनीति नहीं है? और उसके साथ साथ जो कमिटी बनाई गई उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक MLA भी शामिल थी, क्या वो राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है? तो पहले राजनीति नहीं थी, अब राजनीति जरूर हो रही है। इस बीच NDTV को दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया, उनके हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बिभूषण चरण सिंह के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी योग्य कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में एक और नया मोड़ तब सामने आया जब सूत्रों ने यह बताया कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली जो महिला पहलवान नाबालिग जो है वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है, उसी के FIR पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था जिस पर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक FIR के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई थी। पुलिस को इस बारे में जन्मतिथि से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की जो धार है उसे हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बृजभूषण शरण सिंह ने भी आज इस पर खुद बयान दिया और अपने आप को फिर से एक बार निर्दोषी बताया। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं होगा। गंगा में मेलर बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये भी कमाल की बात है, जब बृजभूषण शरण सिंह इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो उन्हीं की अध्यक्षता में कम 2 टूर्नामेंट में ये नाबालिग लड़की एक नाबालिग के तौर पर लड़ी, उसको कुश्ती संघ ने की तरफ से वहां पर उस एज ग्रुप में यानी कि 18 से कम के एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लड़ने के लिए कुश्ती संघ की तरफ से उसको नो ऑब्जेक्शन भी मिला। तो तब जब वो कुश्ती संघ के लिए पहलवान कुश्ती लड़ रही थी, कॉम्पिटिशन में जा रही थी, तब वो नाबालिग थी, लेकिन अब वो नाबालिग नहीं है क्योंकि उसने आरोप लगा दिए। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केस दर्ज किया। पुलिस ने पहलवानों के बयान पहले खुद दर्ज किए, फिर कोर्ट में भी 164 के तहत इनके बयान दर्ज कराए गए, लेकिन महिला पहलवान अपनी इस मांग पर डटे हुए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। NDTV को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें यह बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसपे उसकी गिरफ्तारी बनती हो। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं मिले तो क्लीन चिट दी जाएगी। फाइनल रिपोर्ट यानी FIR तय दाखिल जब पुलिस करती है तब दाखिल करती है जब उसे कोई सबूत नहीं मिलता, यानी कि क्लोजर रिपोर्ट एक क्लीन चिट के तौर पर उसे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने
के एक फैसले के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही। उधर पुलिस ने आधिकारिक रूप पर बयान जारी कर कहा है कि जांच अभी जो है इस मामले में वो चल रही है। इस केस में SIT है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। महिला पहलवानों का मुद्दा काफी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जांच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मणिपुर की। एक बार फिर से एक महीने से हो रही नस्लीय हिंसा में अब तक, जैसे हमने आपको रोज बताया, 80 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैतेई बहुल इलाकों में कुकी जनजातीय समुदाय पर हमले हुए हैं और कुकी बहुल इलाके में मैतेई समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। मैतेई ये है कि जो पूरा परेशानी ये है कि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंपों में अब इस वक्त शरण लेनी पड़ रही है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के 30,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इस बीच मणिपुर में हर समुदाय को गृह मंत्री अमित शाह से आज फिर से बातचीत हुई, आज फिर मिले। 4 दिन के दौरे पर वो इस राज्य में डटे हुए हैं और आज दौरे का 3रा दिन है। आज अमित शाह पर्वतीय जिले के इलाकों में गए और म्यांमार सीमा से लगे हुए सीमांत मोरा इलाके में भी गए। इस दौरान अमित शाह सभी समुदाय के लोगों से मिले। गृहमंत्री ने सभी से अपील की कि अगले 15 दिन तक राज्य में पूरी तरह से शांति बनाए रखें और इस बीच सरकार समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं वो हथियार सुरक्षा बलों को सौंप दें और सरेंडर कर दें। गृहमंत्री ने कुकी बहुल इलाकों में, जहां सबसे पहले वो चूड़ा चांदपुर गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से बात की। गृहमंत्री ने हिंसा में शामिल लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात भी कही। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों का आसानी से उपलब्ध हो जाना भी हिंसा के ना रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, you know, at ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it'll take some time actually, but hopefully, they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. वहीं चूड़ा चांदपुर इलाके की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। इस इलाके को देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कोई छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। साफ दिख रहा है कि बड़े विस्फोटकों का और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल एक युद्ध क्षेत्र की तस्वीर लगती है। कोई इसको देखकर, जैसे मैंने कल भी कहा था, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि ये यूक्रेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हथियार आम लोगों के पास नहीं हो सकते। मणिपुर में इमरजेंसी का लंबा इतिहास रहा है और अभी भी कई उग्रवादी गुट वहां पर सक्रिय है। कई ने केंद्र सरकार के साथ समझौते के तहत हिंसा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी, लेकिन सरकार को शक है कि ऐसे कई उग्रवादी गुट जो हैं उन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था। अब उन्होंने जो हथियार हैं वो वापस नहीं किए थे। हो सकता है कि उन हथियारों का इस्तेमाल नस्लीय हिंसा के दौरान किया जा रहा हो। ऐसे में सुरक्षा बल इस तरह के सभी उग्रवादी गुटों और उनके हथियारों की गिनती कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ा चांदपुर जिले में ही ऐसे 7 कैंप हैं जिसमें करीब 1200 उग्रवादी हैं। ज्यादातर के पास हथियार हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है। वहीं यही नहीं, पुलिस के हथियार के रूप में अभी कम से कम 1420 हथियारों को लूटा गया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 500 हथियार वापस आए हैं। स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जिस क्या क्या गतिविधियां आज हुई उस पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती की ग्राउंड रिपोर्ट। आपसी अविश्वास और नस्लीय हिंसा से जूझता मणिपुर, सभी समुदायों के लोग परेशान हैं, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से हिंसा शुरू ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं अंकित त्यागी और फिर से आज शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जो हमारे रेसलर्स हैं, चैंपियंस हैं, उनके चल रहे जो इस वक्त का उनका विरोध चल रहा है उसकी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने और उनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध पर उतरे पहलवानों के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सिलसिले में एक बैठक की और फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में 1 जून से 5 जून की विरोध के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन के रूप में सामने रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारी पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की इजाजत मिले और इस सिलसिले में वो राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे। आपको याद होगा जिस दिन देश में लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट का, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, इन पहलवानों को किस तरीके से घसीटते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वो जगह को खाली करा दिया। आपको यह भी बता दें कि विरोध पर उतरे पहलवान कल हरिद्वार पहुंच गए थे और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई ना होने से नाराज, हतोत्साहित, परेशान होकर उन्होंने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया था। इन पहलवानों ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक हैं, बजरंग पूनिया हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट है, काफी देर तक खिलाड़ी गंगा के घाट पर बैठे रहे, भावुक हो गए। उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए रोकने की कोशिशें भी चलती रही, लोगों ने भी मना किया, जनता भी वहां पर उनके समर्थन में खड़ी रही, क्योंकि शायद वो लोग समझते हैं कि एक मेडल के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और उन्हीं मेडल्स को आंसुओं के साथ वो गंगा में बहाने को अब तैयार खड़े थे। अंत में किसान नेता नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल गंगा में ना बहाने के लिए राजी कर लिया। इन खिलाड़ियों ने इसके बाद यह तय किया कि अगले 5 दिन सरकार को कार्रवाई के लिए दिए जाएं और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेडल वापस बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में और आगे की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत है वो बुलाई जाएगी। नरेश टिकैत बालियान थाप के प्रमुख हैं और उनके मुताबिक महापंचायत में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस चौपाल में खाप के चौधरियों के साथ साथ लोग भी शामिल होंगे लेकिन आम लोगों को इसमें नहीं बुलाया गया है। भारत में कुश्ती इन खिलाड़ियों के जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं संघर्ष अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। एमेच्योर कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रदर्शन के दौरान पहलवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए सुलूक को कड़ी निंदा उसकी अपने एक बयान में की है और यह भी कहा है कि वो जांच में अभी तक जो नतीजा नहीं आया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उससे वो काफी निराश है। संस्था ने अपील की है और यह भी कहा है कि संबंधित संस्थाएं आरोपों की गहराई और पारदर्शिता के साथ जांच करें। वहीं ओलंपिक में कुश्ती के खेल पर निगाह रखने वाली
इस संस्था ने कहा है कि वो शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों की स्थिति और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उनके यौन शोषण की बात से चिंतित है। UWW ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से वो परेशान है। 28 मई को नई संसद में जब विरोध मार्च निकालने के लिए खिलाड़ी उठे तो पुलिस ने काफी बर्बरता से, निर्दयता से उनको गिरफ्तार किया। कुछ खिलाड़ियों को किस तरीके से घसीटा गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर उनका धरना स्थल जो था उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया। ये तस्वीरें देश और दुनिया के लिए काफी दूर तक लोगों पर इसका असर हुआ, काफी दूर तक ये देखी गई और इन पर खेल से लेकर राजनीति की दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। वहीं UWW का भी यह कहना है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों की स्थिति जानने के लिए उनके साथ मीटिंग भी करी जाएगी और उनकी चिंताओं का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हल के लिए वो उनके साथ खड़े हैं। उधर सरकार की ओर से सरकार भी इस विरोध प्रदर्शन पर करीबी से निगाह रखी हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस पर बात करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने जनवरी में ये बात कही थी, उसके बाद से इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन इसमें अब कई राजनीतिक दल और यूनियन शामिल हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि वो इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर FIR दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब मंत्री जी कह रहे हैं इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, पर क्या यह शुरुआत से ही राजनीति इस पर नहीं हो रही? जिस शख्स पर आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, क्या वो राजनीति का हिस्सा नहीं है? दिल्ली पुलिस एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, MHA के अंडर आती है, वहां BJP की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR हुई है, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने FIR तक नहीं की, क्या वो राजनीति नहीं है? और उसके साथ साथ जो कमिटी बनाई गई उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक MLA भी शामिल थी, क्या वो राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है? तो पहले राजनीति नहीं थी, अब राजनीति जरूर हो रही है। इस बीच NDTV को दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया, उनके हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी योग्य कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में एक और नया मोड़ तब सामने आया जब सूत्रों ने यह बताया कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली जो महिला पहलवान नाबालिग जो है वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है, उसी के FIR पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था जिस पर कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक FIR के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई थी। पुलिस को इस बारे में जन्मतिथि से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की जो धार है उसे हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बृजभूषण शरण सिंह ने भी आज इस पर खुद बयान दिया और अपने आप को फिर से एक बार निर्दोषी बताया। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। गंगा में मेलर बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये भी कमाल की बात है, जब बृजभूषण शरण सिंह इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो उन्हीं की अध्यक्षता में कम 2 टूर्नामेंट में ये नाबालिग लड़की एक नाबालिग के तौर पर लड़ी, उसको कुश्ती संघ ने की तरफ से वहां पर उस एज ग्रुप में यानी कि 18 से कम के एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लड़ने के लिए कुश्ती संघ की तरफ से उसको नो ऑब्जेक्शन भी मिला। तो तब जब वो कुश्ती संघ के लिए पहलवान
कुश्ती लड़ रही थी, कॉम्पिटिशन में जा रही थी, तब वो नाबालिग थी, लेकिन अब वो नाबालिग नहीं है क्योंकि उसने आरोप लगा दिए। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केस दर्ज किया। पुलिस ने पहलवानों के बयान पहले खुद दर्ज किए, फिर कोर्ट में भी 164 के तहत इनके बयान दर्ज कराए गए, लेकिन महिला पहलवान अपनी इस मांग पर डटे हुए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। एनडीटीवी को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें यह बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसपे उसकी गिरफ्तारी बनती हो। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं मिले तो क्लीन चिट दी जाएगी। फाइनल रिपोर्ट यानी FIR तय दाखिल जब पुलिस करती है तब दाखिल करती है जब उसे कोई सबूत नहीं मिलता, यानी कि क्लोजर रिपोर्ट एक क्लीन चिट के तौर पर उसे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने के एक फैसले के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही। उधर पुलिस ने आधिकारिक रूप पर बयान जारी कर कहा है कि जांच अभी जो है इस मामले में वो चल रही है। इस केस में SIT है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। महिला पहलवानों का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जाँच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मणिपुर की। एक बार फिर से एक महीने से हो रही नस्लीय हिंसा में अब तक, जैसे हमने आपको रोज बताया, 80 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैतेई बहुल इलाकों में कुकी जनजातीय समुदाय पर हमले हुए हैं और कुकी बहुल इलाके में मैतेई समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। मैतेई ये है कि जो पूरा परेशानी ये है कि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंपों में अब इस वक्त शरण लेनी पड़ रही है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के 30,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इस बीच मणिपुर में हर समुदाय को गृह मंत्री अमित शाह से आज फिर से बातचीत हुई, आज फिर मिले। 4 दिन के दौरे पर वो इस राज्य में डटे हुए हैं और आज दौरे का 3रा दिन है। आज अमित शाह पर्वतीय जिले के इलाकों में गए और म्यांमार सीमा से लगे हुए सीमांत मोरा इलाके में भी गए। इस दौरान अमित शाह सभी समुदाय के लोगों से मिले। गृहमंत्री ने सभी से अपील की कि अगले 15 दिन तक राज्य में पूरी तरह से शांति बनाए रखें और इस बीच सरकार समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं वो हथियार सुरक्षा बलों को सौंप दें और सरेंडर कर दें। गृहमंत्री ने कुकी बहुल इलाकों में, जहां सबसे पहले वो चूड़ा चांदपुर गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से बात की। गृहमंत्री ने हिंसा में शामिल लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात भी कही। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों का आसानी से उपलब्ध हो जाना भी हिंसा के ना रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, you know, at ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it'll take some time actually, but hopefully, they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. वहीं चूड़ा चांदपुर इलाके की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। इस इलाके को देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कोई छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। साफ दिख रहा है कि बड़े विस्फोटकों का और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल एक युद्ध क्षेत्र की तस्वीर लगती है। कोई इसको देख कर, जैसे मैंने कल भी कहा था, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि ये यूक्रेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हथियार आम लोगों के पास नहीं हो सकते। मणिपुर में इमरजेंसी का लंबा इतिहास रहा है और अभी भी कई उग्रवादी गुट वहां पर सक्रिय हैं। कई ने केंद्र सरकार के साथ समझौते के तहत हिंसा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी, लेकिन सरकार को शक है कि ऐसे कई उग्रवादी गुट जो हैं उन्होंने
सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था, अब उन्होंने जो हथियार हैं वो वापस नहीं किए थे। हो सकता है कि उन हथियारों का इस्तेमाल नस्लीय हिंसा के दौरान किया जा रहा हो। ऐसे में सुरक्षा बल इस तरह के सभी उग्रवादी गुटों और उनके हथियारों की गिनती कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ाचांदपुर जिले में ही ऐसे 7 कैंप हैं जिसमें करीब 1200 उग्रवादी हैं, ज्यादातर के पास हथियार हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है, वहीं यही नहीं पुलिस के हथियार के रूप में अभी कम से कम 1420 हथियारों को लूटा गया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 500 हथियार वापस आए हैं। स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जिस क्या क्या गतिविधियां आज हुई उस पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती की ग्राउंड रिपोर्ट। आपसी अविश्वास और नस्लीय हिंसा से जूझता मणिपुर, सभी समुदायों के लोग परेशान हैं, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से हिंसा शुरू ना हो जाए। मणिपुर में इस वक्त कोई भी समुदाय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बीते एक महीने में सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, कई लोगों ने अपनी जान हिंसा में गंवा दी। हर समुदाय की अपनी अपनी चिंताएं हैं। इम्फाल घाटी के सेकमाई इलाके में राहत कैंपों में रह रहे मेताई लोग अपने घर लौटने से डर रहे हैं। The accident happened. मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? कोई सुरक्षा नहीं है। उधर कुकी बहुल पर्वतीय जिले कांग पोपकी में लोगों की आस केंद्र सरकार से ही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इस इलाके के दौरे पर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वो मानते हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर की नस्लीय हिंसा में तटस्थ रही है। इसके अलावा बुधवार को अमित शाह सीमांत मोरे इलाके में भी गए। मोरे में सुरक्षा बल हिंसा के बाद कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुके हैं। अमित शाह मणिपुर के दौरे के पहले 3 दिन में राज्य के अलग अलग समुदायों के साथ 10 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों को शाह के इस दौरे से बड़ी आस है। And in my lifetime, I have not... हमने जो हिंसा झेली उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गृह मंत्री यहाँ के दौरे पर हैं। हमें उम्मीद है कि शांति स्थापित करने के लिए उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। हम समाधान के लिए अमित शाह पर निर्भर हैं। बीते दिन बहुत दर्द भरे रहे, यहाँ तक कि आम जरूरतों की चीजें और खाने का सामान जुटाना तक मुश्किल हो गया। The future is so bleak for us. मणिपुर के राजनीति में सालों से पहाड़ों में जो रहते हैं और इम्फाल वैली में जो रहते हैं उनके बीच का जो मतभेद है उसको लेकर चर्चा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि इस बार के हिंसक घटना भी इसी मतभेद का नतीजा है। अमित शाह का मणिपुर का दौरा का प्रयास ये है कि एक ऐसा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाया जाए जिसमें दोनों जगह के लोग एक साथ एक शांतिपूर्ण स्थिति में रह सके, क्योंकि इस दूरी को अगर कम नहीं किया गया तो इस राज्य के लोग हमेशा के लिए पट जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कांगपोकपी मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अब अगर इतने सारे हथियार अभी भी गायब हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है और कम से कम उस पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपनी एक नदी की, जिसकी दुर्दशा देखकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल रुला देने वाली है। ये हिंडन नदी है जिसका गुलाबी पानी बता रहा है कि कितने जहरीले रसायन इसमें तैर रहे हैं। करीब 350 किलोमीटर लंबी ये नदी सहारनपुर के लगने वाले शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें मुख्य रूप से बारिश और जंगलों का पानी होता है। सहारनपुर से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा होने के बाद ये नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। इस नदी में इन इलाकों के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर का पानी आता है, यानी इसका जो कैचमेंट एरिया है वो करीब 6000 वर्ग किलोमीटर का है, जो एक बड़ा इलाका है। एक जमाना था कि बारिश के पानी को लेकर बहने में
ये नदी साफ सुथरी होती थी जिसमें लोग नहाया करते थे, लेकिन बीते 30 से 40 सालों में इस नदी की दुर्दशा जो है, जो गंदगी है उसमें, अब अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। इसका अंत होता दिखाई नहीं पड़ता। उस पर आप थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए, नोएडा से उन्होंने रिपोर्ट की है, इस नदी की बदहाली की तस्वीरें दिखा रही है। यह हमारी ऐतिहासिक नदी की जहरीली गुलाबी तस्वीर है। यह है हिंडन नदी, जिसका यह हाल गाजियाबाद और नोएडा पहुंचते पहुंचते हो गया है। हिंडन नदी के इसी गुलाबी पानी की वजह जानने के लिए हम पहुंचे नोएडा के बहलोलपुर गांव। इस गांव के एक नाले का ये रंगीन पानी अपना जहर हिंडन नदी में घोल रहा है। सोमवार को हिंडन नदी इसी जहरीले पानी की वजह से लाल दिखने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जहरीला पानी कभी कभार ही इस नदी में जाता हो। इस वीडियो को बनाने वाले सोनू यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि गांव में चोरी छिपे करीब 3 दर्जन से ज्यादा कपड़ा रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाला पानी रंगीन तो होता ही है, उसमें कई जहरीले रसायन भी होते हैं, जिन्हें रात या दोपहर में बिना ट्रीट किए इस तरह हिंडन नदी में बहा दिया जाता है। ये क्या था, यहाँ पे 30-35 फैक्ट्री लगी हुई हैं। हाँ। 30-35 फैक्ट्री, इसमें कपड़ों पे कलर होता है, ये बाहर से एक्सपोर्ट करके लाते हैं, यहाँ पे लाके चलाते हैं। यहाँ लाके क्या है, गांव में चोरी छुपे चलाते हैं, बाकी फैक्ट्रियों में तो इन लोगों को कोई चलाने नहीं देगा। तो 30-35 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जो आधी तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे लुपकी हुई हैं, कुछ को मेरे को पता है, कुछ लुपकी हुई हैं, और वो सारे के सारे या तो रात में चलाते हैं या फिर दोपहर में कोई सो जाता है दोपहर के टाइम। वो ये जहरीला गुलाबी पानी कहाँ से आता है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम गाँव के अंदर गए। बाहर से आपको ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री चलती होगी, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी है। देखिए हिंडन नदी के किनारे किस तरीके से गुपचुप यहाँ पर ड्राइंग फैक्ट्री चल रही है, ये आप देखिए, ये है ड्राइंग फैक्ट्री, और अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, प्रशासन का छापा जब से पड़ा है। ये आप देखिए, ये सही कपड़े रंगे जाते हैं, जो नीला वाला कपड़ा है, उस तरीके से ड्राइंग फैक्ट्री में कपड़ा रंगे जाते हैं, फिर इसका जो बिना ट्रीट किया हुआ पानी है वो नाली के जरिए, ऐसे नाली के ज़रिए बहकर और इसके बाद में नदियों में मिलता है। अभी चूँकि गांव में काफ़ी सारे लोग इस बात से नाराज़ हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि उसके चलते प्रशासन थोड़ी सी सख्ती करता है कुछ दिनों के लिए, अगर यही सख्ती साल भर हो तो शायद इस तरीके की फैक्ट्रियाँ ऐसे गाँव में ना लगें और नदियाँ हमारी प्रदूषित ना हों। फैक्ट्री से निकला ये विषैला रंगीन पानी अंत में हमारे और आपके शरीर में जहर घोलता है, और ऐसा नहीं है कि नोएडा से पहले हिंडन साफ होती हो। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी इस नदी के साथ ऐसा ही सलूक होता है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली यमुना की इस सहायक बरसाती नदी में कुछ किलोमीटर के बाद ही गंदगी और औद्योगिक कचरा डालना शुरू कर दिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है। हिंडन नदी में 443 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और 23 बड़े नालों का प्रदूषित पानी जाता है। हिंडन के प्रदूषित पानी से बहुत सारे लोगों को कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। हिंडन नदी के पास पड़ते गांव के करीब 8,000 में से 1,000 हैंडपंप के पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया। हिंडन नदी के आसपास रहने वाले शहर, खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ के लोगों को भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। कई लोग एनजीटी में गए और उन्होंने पिटीशन फाइल किए। एनजीटी ने इन सभी आपत्तियों को, इन पिटीशन्स को गंभीरता से लिया और कई पिटीशन्स में ऑर्डर हुए, जैसे कि हिंडन नदी के साथ रहने वाले जो गांव हैं उनमें पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वहाँ का पानी विषैला हो गया है। इसी तरीके से गाजियाबाद में पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ कि नदी के किनारे पे कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम ने बनाया था। ये नदी भले आपके घर से दूर हो, लेकिन इसकी जो हालत है वो हमारी और आपकी आबोहवा से सीधे जुड़ती है। इसके पानी में सब्जियां धोई जाती हैं, इसका पानी खेतों में भी जाता है, ये पानी वो मवेशी भी पीते हैं जिनका दूध आपके हमारे घरों में आता होगा। तो खुद ही सोचिए ये समस्या हम सबके कितने करीब है। हिंडन का ये हाल तो बस एक छोटी नदी का हाल है,
बड़ी नदियों की हालत और भी बुरी है। इन नदियों को साफ करने का जिम्मा हम अब सिर्फ सरकारों के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। नोएडा से मोहम्मद मुरोसलिन के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नदियों का कितना महत्व है हमारे धर्म में, हमारे कर्मकांड में, उसके बाद भी नदियों की जो हालत है उसको देखते हुए हमेशा लगता है कि सरकारें और हम लोग शायद सिर्फ बात जरूर करते हैं, कुछ जमीन पर बदलता नहीं है। कृष्णा नदी जो है वेस्टर्न पश्चिम उत्तर प्रदेश की, ये सभी नदियां का करीब करीब यही हाल है। सभी में पानी जहरीला हो चुका है, पर्यावरण, समाज और भूजल तक प्रदूषित हो गए हैं। समाज भुगत रहा है इसका परिणाम। एक तो ऑब्वियस कारण है कि यहाँ बहुत सारी उद्योग जो यहाँ ऑपरेटिंग है वहां पर वो जो पानी छोड़ते हैं बिना ट्रीट किए हुए वो नदी में सीधा छोड़ते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्व का कारण है कि हमारे देश में जो पर्यावरण खास करके प्रदूषण नियंत्रण तंत्र है, और ये याद रहे कि अगले साल 2024 में इसको 50 साल होंगे जब वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में पास हुआ था, और उसके बाद 1974 एक्ट के बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेबोरेटरीज और सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, लेकिन ये पूरा जो तंत्र है वो कंप्लीट फेलियर है। एक सफल उदाहरण बता दीजिए कि जिससे कि ये तंत्र की वजह से कोई एक नदी, कोई एक नाला साफ हुआ हो, जो पोल्यूटेड है वो साफ हुआ हो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैं 10 साल से लोगों को पूछ रहा हूं कि मुझे एक एग्जांपल बताइए। तो ये एक तो ये पोल्यूशन तंत्र कंप्लीट फेलियर है, वो फेमस है सिर्फ करप्शन के लिए ज्यादातर, और साथ में हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें पर्यावरण कहीं आता नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो ये दोनों कारण है जो पर्यावरण का जो गवर्नेंस है वो कंप्लीट फेलियर है, लो प्रायोरिटी है और इसकी तरफ कोई सीरियसनेस नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, एक तो कि जो प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में जो जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये नदी के प्रदूषण के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार है, और जब वो नदी प्रदूषित पाई जाती है तो वो अधिकारी उसके लिए जवाबदेह होगा। एक ये महत्व की बात है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे तंत्र में जवाबदेही जीरो है। और दूसरा महत्व की बात है कि ये जो गवर्नेंस है प्रदूषण का और नदियों का, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रदूषण नियंत्रण के सक्सेस के लिए वो है लोकल कम्युनिटी, क्योंकि यदि नदी नाले प्रदूषण होते हैं तो वो भुगतते हैं, और किस लिए प्रदूषण हो रहा है वो भी सबसे ज्यादा उनको पता होता है, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है गवर्नेंस में। तो दूसरा महत्व की चीज ये जरूरी है कि ये जो लोकल कम्युनिटीज है जो नदी नाले के आसपास रहते हैं उनका बहुत जरूरी है कि उनका रोल हो ये गवर्नेंस में, और जो अधिकारी है वो इनको भी जवाबदेह हो। तो ये दो मूलभूत बदलाव हम हमारे गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी में लाएंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। आज के लिए खबरों की खबर में इतना ही, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।